हेलो, गुड मॉर्निंग गाइस। तो कैसे हो आप सभी? आई होप सब बढ़िया होंगे। तो स्वागत है आपका मेरे एक न्यू व्लॉग में। तो गाइस, आज का व्लॉग जो स्टार्ट हो रहा है 11:51 से, तो गाइस 12 बजने ही वाले हैं और मैं इधर घर पर ही हूँ अभी फिलहाल। मैं घर का काम छोटा मोटा खत्म करके फ्री होगी हूँ। देखो मेरी जो लैंग्वेज बहुत ही तगड़ी वाली। तो मैंने सारा काम वाम कर दिया है, बर्तन वर्तन धो दिया है, झाड़ू पोछा वगैरह सब कुछ लगा दिया है किचन में, तो सब कुछ क्लीन हो गया है। तो पल्लू थी मेरे साथ और पल्लू चली गई है ऊपर गाय को घास पानी देने, तो मैं भी जाऊंगी अभी हमाकू, क्योंकि माकू खेत जाना है। तो ये देखो गाइस, मेरे भाई ने कैसे लटका रखा है इसको, इससे वो बैट से मारता है इसको, ऐसे बॉल फेंकने वाला कोई नहीं होता तब। तो अभी मैं जाऊंगी और मैं और पल्लू खेत में खो देंगे, और पापा मम्मी जा रखे हैं किसी के गाँव में जवारे, तो भाई भी उधर ही है। तो हम मैं और पल्लू जाएंगे और खेत में खोद देंगे, खोदने को होगा कि मटर बीजों को पता नहीं क्या। तो फिलहाल गाइस इधर घर पे हूँ, चलती हूँ फिर मिलती हूँ आपसे। तो गाइस मैं अपनी मंजिल पे पहुंच चुकी हूँ, और ये देखो गाइस पल्लू अच्छी लग रही है, आज थक गई मैं नीचे से बना। गाइस पहुंच चुकी हूँ और पल्लू इनको घास पानी दे रही है, पानी तो दे दिया, घास देने को रह गया तो घास दे रही है। देखो गाइस ये मेरे को मार रही है, मारेगी मेरे को, हट, मारेगी मेरे को मारेगी, फिर सब तेरे को बोला हट। देखो गाइस इसको आप सभी जानते हो, इसका नाम क्या है पल्लू, इसका नाम क्या है, क्या है, क्या है इसका नाम, इसका नाम अभी नहीं रखा गया, ओ बेचारी। देखो गाइस मेरी बहन कितना काम करती है, अब बोलेगी कि बस तू ही नहीं करती और तो सारे काम करते हैं। ठीक है गाइस फिलहाल चलते हैं। जी मेरी बहन है, ये बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, बिल्कुल भी अच्छी कुत्ती, यस क्यों यार, बिल्कुल भी अच्छी नहीं है ये शख्स, बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। आई हेट दिस शख्स, दिस पर्सन, सॉरी आई हेट दिस पर्सन। कहाँ चल रहा वो गाइस, कौन सा खेत है, पल्लू ये पर वाला है ना, ये पर वाला खेत है, मेरे को खोदने को देखो ये वाला। आज तो भाई हड्डी पसली ये खत्म हो जाएगी, टूट जाएगी, टूट जाएगी, टूट जाएगी, कमर भी टूट जाएगी शाम को। ये देखो गाइस पार पार बर्फ भी रहेगी अभी। ये देखो पल्लू, ये देखो लक्षण, लक्षण देखो इसके आंखों में। पल्लू ऐसा क्यों करती है, तू ढंग से नहीं कर सकती काम। तो गाइस इधर मटर बीज दिया ऊपर, नीचे है मेरे को खोदने, मटर बीजेंगे फिर मम्मी वगैरह के आने के बाद। गाइस ये देखो इतना तो साफ कर दिया है पल्लू ने, ये लगे उल्टा 2 मिनट, इसको क्या रखो, एक मिनट रहेगी था यहाँ तो उल्टा बने पहले ढूंगो की बात है, इसमें डालेंगे अब इनको, झोलटेंगे वो झोलटे। इसमें कांटे बहुत है, ये घास लाए कांटे थे ना, तू ब्याह था ले गिल्टे में डालेंगे। ओए होए होए छोड़ो, तो इधर दराटी ले जाएंगे पहले, घास जो लगा है नीचे उसको काटने के लिए। तो हमने दराटी नहीं ले आई थी घर से, और इधर हमारे दराटी नहीं है, तो ताई की दराटी ले जा रहे हैं इधर से। चलो चलते हैं दराटी लेके पल्लू के पास। देखो पल्लू कैसे बेचारे ना, खेत में ये घास लगा था जिसको मैंने दराटी की मदद से निकाल दिया है, और यहाँ नीचे हमारा खेत गिर गया था तो इसको जोड़ दिया मैंने और पल्लू ने थोड़ा थोड़ा करके। तो पल्लू उधर काम कर रही है खेत में, खेत भी वही ऊपर को कर दिया थोड़ा बहुत। तो इधर मैं दराटी से निकाल रही हूँ घास, तो निकाल लेती हूँ घास फिर मिलते हैं, क्योंकि इस घास को गाय को नहीं दे सकते, फेंकना ही पड़ेगा क्योंकि इसमें कीड़े है क्या पता
गाय मर जाए, कुछ हो जाए, तो इतना हमारी रिस्क नहीं ले सकते। तो ठीक है गाइस, पहले घास निकालती हूँ, फिर देखते हैं इसका क्या करना है। मेरा खून ज्यादा ज्यादा बढ़ रहा है, इसमें वो जल रही बोल, तू उठा लेगी ना? देखो गाइस ये मेरे को छोड़ के जा रही है और मेरे को लग गई। मैं नाखून में गंदगी भर चुकी है, कोई कितने लग गई मेरे को, ज्यादा दर्द हो रहा है। मैं कुछ समझता ही नहीं है कोई मेरे दर्द को। गाइज अभी ना मैं और पल्लू घर आ चुके हैं क्योंकि वहां को खाना है खाना। तो गाइज मैंने भी अपने लिए निकाल लिया खाना और पल्लू भी निकाल दिया इधर, शायद और रोटी खा रही है और मैं खा रही हूँ चावल और फिर देखेंगे क्या। तो गाइज अभी हम दोनों घर पे पहुंच गए क्योंकि पापा आए, पापा ने बोला कि कुछ और काम करना है तो उसके लिए पापा ने माँ को बुलाया। पापा ने बोला जल्दी से खाना खा के आओ फिर बताऊंगा मैं, बोला क्या काम करना है। तो फिर हम दोनों जो है आगे एक एक रोटी चपाती हमने ताई के घर में खा दी क्योंकि ताई ने कहा यहीं खा लो। तो उसके बाद हमने सोचा कि घर पे जाके क्यों ना खाया जाए। और जब हम यहाँ पहुंचे तब माँ को आया कि नहीं खा ले, उसके बाद फिर काम पे लगना है जो रेगुलर हमें, तो उस वजह से हम अभी खा रहे हैं। तो गाइज ठीक है फिलहाल हम दोनों खा लेते हैं खाना, फिर चलते हैं पापा के दिए गए काम पे, फिर मिलते हैं आपसे यहाँ। तो ये देखिए तो गाइज खाना वाना हो गया डन, तो अब चलेंगे हम कहाँ जाना, किस साइड किस साइड। तो अभी जा रहे हैं हम काम करने, तो पापा ने बोला है कुछ काम करने को, वो काम करेंगे फिर पता नहीं खेत को जाएंगे कि नहीं वो मेरे को पता नहीं है अभी। तो चलिए पल्लू जी चले चले, क्या बोलते हैं वो उधर हट्टी रखी ऊपर, मेरे को अपना वो डाट ऊपर। तो गाइस चलते हैं फिलहाल, डाट ला अपना मुर्गा ताई के घर, नहीं जला उसको, जला मैं क्यों लूटू ना तेरा है, जला। तो गाइस जब चलते हैं अब करते हैं पार काम, फिर देखते हैं कहाँ जाना है कहाँ नहीं। देवेल प्यार प्यार मैं क्या जानू रे, कुत्तू हाय कुत्तू हाय कुत्तू हाय कुत्तू हाय। मैं दोनों ही आ चुके हैं घर, काम करके काम ये था कि लकड़ी थी थोड़ी सी ले आने को तो वो मैं ले आ दिया, और काफी ज्यादा हम दोनों थके हुए हैं। और इसने ना एक बार बहुत ही ज्यादा ले आ दी थी और गिर भी गई थी उस वजह से, ये इसको समझाते हैं कम कर कम कर, ये मानती नहीं है, मेरे को भी भारी दिया बट क्या करें अब गाइस बेचारी के हालात कैसे हो गया। तो ऐसे अभी थोड़ी देर हम रेस्ट करेंगे, पापा ने कहा बोलिए अभी रेस्ट करो थोड़ी देर, फिर उसके बाद आपको जाना पड़ेगा फिर से उधर ही। तो चल फिर हम बैठ गए थोड़ी देर रेस्ट करते हैं, बाकी कपड़े मेरे बहुत ही ज़्यादा खराब है ध्यान से बैठना पड़ेगा। तो ये हो गई जी मैम, ये मारो इसको जैकेट को। तो गाइस काफ़ी ज़्यादा थक गए हम दोनों, हम दोनों नहीं ले आए, पापा ने तो नहीं लिया है, तो हम दोनों काफ़ी ज़्यादा थक गए हैं देख सकते हो आप हमारे हालात। हाय करते हैं लोग में ना कि ये पोज मारते हैं। तो गाइस अभी ना मैं गई थी ऊपर, ऊपर क्या इधर तक ही आई थी खेत तक, तो मेरे को भाई ने कॉल किया बोला बंदर आए हैं ऊपर इनको देख ले। तो यहाँ पे पहुंची यहाँ तो मुझे बंदर क्या मक्खा भी नहीं मिला, तो अभी मैं जा रही हूँ घर क्योंकि बंदर तो इधर है नहीं, पता नहीं किधर चले गए मेरे डर से। तो बंदर क्या मैं बोल रही हूँ ना बंदर तो नहीं पर मेरे को यहाँ पे मक्खा भी नहीं मिला। तो अभी दादी भी आए थे तो दादी ने कहा तू घर चली जा क्योंकि मैंने पाँव में चप्पल ले आई है मैं ठंड जाऊँगी, तो दादी देखेंगे बंदर थोड़ी देर में आऊँगी मैं। तो फिलहाल चलते हैं घर, बंदर मेरे से डर के ही भाग गए।
तो गाइस घर के पास से पहुंच चुके हैं। दादू को मारती है मेरे पापा है मेरे पापा मिस्टर पापा ने मारा सॉरी बोल सॉरी दादा पापा मेरे छोड़ दादा ने मारा दादा ने दादा 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 ने मारा दादा तो गाइस अभी तक ना मैंने खाना वाना वगैरह सब कुछ रात के लिए बना दिया है। तो दाल चढ़ा रखी है चूल्हे पे और रोटियों के लिए आटा गूंथूंगी थोड़ी देर बाद, तो फिर बनाएंगे चपाती। अभी टाइम हो रखा है 6:03, तो इतने जल्दी हम रोटियां नहीं बनाएंगे। और दाल हमारी बस चूल्हे के ऊपर डाल रखी है, तो वो भी थोड़ी देर में बन जाएगी। और मैंने सोचा मैं नहा लेती हूँ, क्योंकि मेरे को आज 5 दिन हो गए पूरे, 5 6 6 6 7 कर देना, तो मैं नहाई नहीं हूँ क्योंकि घर में काम भी था और ठंड भी आजकल बहुत ज़्यादा हो रही है। तो मेरी तबीयत भी कुछ ख़राब नहीं है, तो ख़राब है तो तब जाके मैं नहीं नहा रही हूँ आजकल। तो अभी मैंने पानी गर्म होने के लिए छोड़ रखा है और खुद आ गई रूम में, सोचा इतनी देर में रेस्ट कर लूँ क्योंकि आज दिन को बहुत ही ज़्यादा थक गई हूँ बहुत ज़्यादा। तो मम्मी वगैरह भी आ गए हैं, तो अभी मम्मी खुद गए गाय को गाय ढूंढे, तो थोड़ी देर करती हूँ रेस्ट, फिर मिलती हूँ आपसे नहा वहा के। तो गाइस अभी ना मैं सोच रही हूँ इस व्लॉग को यहीं पर समाप्त कर देती हूँ, क्योंकि व्लॉग काफ़ी बड़ा हो जाएगा, तो बड़े व्लॉग आप लोगों को भी पसंद नहीं आते। तो खुद भी मैं रेस्ट कर रही हूँ, मेरे को नहाने को है, उसके बाद मैं आज जल्दी सो जाऊँगी क्योंकि मेरी तबीयत कुछ ख़राब है, तो उसके बाद मैं सो जाऊँगी आज जल्दी। तो ये देखो गाइस मैं सुबह से ऐसी बन के रही हूँ क्योंकि ठंड बहुत है और दर्द भी हो रही है सिर में, तो इससे सिर ढका ढका रहता है, गर्म रहता है तो सही रहता है। तो आज मैं ब्लॉग इसलिए जल्दी समाप्त कर रही हूँ क्योंकि मेरे को नहाना है, उसके बाद मैं डायरेक्ट सो जाऊँगी, तो खाना भी नहीं खाना है आज, बस सोना ही है। तो ठीक है, इस फिलहाल इस ब्लॉग को कर देते हैं यहीं पर समाप्त, एंड बोरी थी मैं, तो इस ब्लॉग को कर देते हैं यहीं पर समाप्त। आई होप आपको ब्लॉग अच्छा लगा होगा, तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब जरूर करना और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर बाय।